इन दिनों हर जगह त्योहारों का मौसम चल रहा है, चाहे वो करवा चौथ हो, नवरात्रे हो, और अब हम सब भी लोग दिवाली की तैयारी में लग गए हैं। हाँ जी, दिवाली की तैयारी, जिसमें हम मीठा तो ज़रूर बनाएंगे। इवन हर फेस्टिवल में हम मीठा ज़रूर बनाते हैं और खीर हर घर में ज़रूर बनती है। लेकिन आज मैं जो कि आपके साथ खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही लाजवाब, रबड़ी डाल, बिल्कुल मलाई जैसी, ऐसे स्वाद है कि जिसको आप बार बार खाना पसंद करेंगे, इतनी बढ़िया बनती है। तो चलिए बनाते हैं मेरे साथ कैरेमल खीर। खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम छोटे दानेदार, बिल्कुल टूटे हुए जो राइस होते हैं वो लेंगे, जिससे खीर बहुत अच्छी बनती है। बड़े लंबे वाले लेते हैं तो उससे ना चावल बहुत बारीक नहीं हो पाता, इसीलिए ये छोटे वाले लेंगे तो आपके जल्दी बहुत अच्छे से दूध में मिक्स हो जाते हैं और सेट हो जाते हैं खीर के हिसाब से। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे चावल को। तो यहाँ मैंने 1 मुट्ठी राइस लिया है। 1 किलो दूध के लिए मैंने 1 मुट्ठी, बिल्कुल देखिए आप चावल की क्वांटिटी देख सकते हैं कितनी थोड़ी है। जितनी थोड़ी लेंगे उतनी ही अच्छी खीर बनती है, क्योंकि दूध को जितना है उसका हमें आधा करना होता है, इसीलिए चावल की मात्रा हम थोड़ी लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने मुश्किल से यहाँ पर हम कह सकते हैं 6 से 7 चम्मच चावल होगा ले लिया है। इसको धो लिया है अच्छे से 3 से 4 बार और सोक करने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है। अब देखिए हम यहाँ पर दूध छान लेते हैं। तो यहाँ मैंने पहले भगोने में पानी डाला और पानी डालने के बाद मैं यहाँ पर भैंस का दूध यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह चाहें तो टोन या फुल टोन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी खीर बहुत अच्छी बन जाएगी। तो अब इस दूध को हमने छान लिया है, 1 लीटर दूध लिया है, और इसको गैस ऑन करके अब हम रख देंगे इस तरीके से। अब गैस की जो फ्लेम है उसको हम धीमा कर देंगे, जिससे दूध उबल के बाहर ना आए। और यहाँ साथ में देखिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ले लिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं काजू लिया है, बादाम लिया है, चिरौंजी लिया है और किशमिश लिया है। आइए इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा चम्मच देसी घी डाला और गैस बिल्कुल स्लो करके फ्राई करेंगे, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम उन ड्राई फ्रूट को डालेंगे जिनको थोड़ा सा फ्राई होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए मैंने काजू डाल दिया, बादाम डाल दिया, और इनको हम थोड़ा सा बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। तो इसको इस तरीके से डालकर चिरौंजी के साथ हमें फ्राई करना है। हार्डली आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, और ये अच्छे से यहाँ पर फ्राई भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें इनको भूनना है। देखिए बिल्कुल रंग ही इनका बदलने लग जाएगा, आपको 2 से 3 मिनट बाद आपको चेंज दिखने लगेगा। अब देखिए इनका रंग हमें इतना ही पकाना है, बिल्कुल रेडी वाली कंडीशन में आ गए। तब मैंने इसमें किशमिश भी ऐड कर दी है और इसको भी इसको इसमें डाल देंगे। ये फ्राई करके जब हम इसमें डालते हैं ना तो इसका स्वाद दुगना हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लीजिए, फिर डालिए, तो स्वाद आपका डबल हो जाएगा। और जब आप खाएंगे ना, एक क्रंचीनेस जो आती है उससे खीर और टेस्टी लगती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि रोस्ट करके ही डालें। आप देखिए फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर ही बता रहा है कि बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। हार्डली 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छे से हो जाएंगे। अब देखिए हम राइस भी साथ में चेक कर लेते हैं। तो देखिए राइस मैं चेक कर रही हूँ, तो राइस थोड़े से अच्छे से सोख हो चुके हैं, हाफ एन आवर हो चुका है इतने में। तो इसको मैं यहाँ छान लेती हूँ और देखिए ये पूरा राइस है सोख होने के बाद। अब इसको क्या करेंगे हम, इस तरीके से आधा राइस हम ग्राइंड करेंगे और आधा राइस हम दूध में डालेंगे। हाँ जी, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ जिससे खीर को गाढ़ा किया जाएगा। गाढ़ा करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि आधे राइस को आप ग्राइंड कर दीजिए, जिससे दूध में मिक्स होने के बाद दूध अपने आप ही लथपथ हो जाएगा और आपकी खीर जल्दी बनकर तैयार भी होगी। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है खीर बनाने के लिए। तो देखिए राइस डाल दिया, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करके हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए ग्राइंड को बिल्कुल फाइन करना है। तो देखिए बिल्कुल एक यहाँ पर फाइन घोल तैयार हो गया है और दूध भी यहाँ देखिए साथ ही साथ में चेक कर रही हूँ, जिससे नीचे से जले ना। तो देखिए इस तरीके से हम दूध बीच में चेक करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो नीचे से दूध जलने लगता है। आप जो हमने आधा राइस बचा कर रखा था उसको डाल देंगे और जो हमने राइस का ग्राइंड किया था उसको भी डाल देंगे। इससे ये होगा कि राइस हमारे थोड़े से दरदरे भी रहेंगे और साथ ही साथ जो दूध है उसमें राइस बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और लटपट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप बनाकर एक बार देखिएगा, आपको बहुत अच्छी खीर लगेगी और बहुत जल्दी ये बनकर तैयार होगी। तो देखिए जब हम ये राइस ग्राइंड करके डालते तो नीचे से जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस केस में आप दूध को नीचे से चलाते रहिएगा। तो देखिए ग्राइंड करने के बाद जो थोड़ा बहुत भी
जार में राइस लगा हुआ था उसको भी मैंने पानी डालकर इसमें निकाल लिया है। तो इस तरीके से डालने के बाद हमें साथ साथ चलाते रहना है जिससे नीचे से जले ना। तो देखिए इतने हमारे यहाँ पर दूध पक रहा है, और ये सब कुछ हम मीडियम टू लो फ्लेम पकड़ेंगे, बहुत हाई फ्लेम पर नहीं रखेंगे। थोड़ा टाइम लगता है खीर बनने में, देखिए आधे से पौन घंटे के बाद राइस और दूध बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं। आपको देख के ही पता चल रहा होगा बहुत अच्छे से सेट हो गया। इसमें हमने शुगर ऐड नहीं किया है, हाँ जी शुगर ऐड नहीं किया, ड्राई फ्रूट ऐड नहीं किया, बस हमें ऐसे ही पकाना है इस कंडीशन में। अब ये बिल्कुल रेडी है, तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। आइए अब इसके लिए यहाँ पर हम शुगर को थोड़ा सा पका लेते हैं। तो मैंने यहाँ आधा कप शुगर लिया है, और शुगर को हम यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे, हार्डली 3 चम्मच। और पानी डालने के बाद हमें शुगर को तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ी सी रेडिश ना हो जाए, जिससे इससे कैरेमल का जो फ्लेवर आता है वो इसी से आएगा। तो इसको हमें पकाना होता है शुगर को, तो इस तरीके से शुगर को हमें पकाना है। और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करिएगा क्योंकि बहुत जल्दी जलने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसको स्लो फ्लेम पर ऐसे ही मेल्ट होते होते ये बिल्कुल रेडिश कलर में आने लगेगी, तब तक हमें इसको यहाँ पर पकाना है। तो देखिए इसका शुगर मेल्ट हो गई है, और नीचे से थोड़ी सी पकने भी लगी है और गाढ़ी होने लगी है। तो इसी तरीके से हमें इसे स्लो फ्लेम पर चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है इस कंडीशन में। देखिए ऐसे ही करते करते ये बिल्कुल ये गाढ़ी हो जाएगी और इसका रंग चेंज होने लग जाएगा। तो देखिए और गाढ़ी ये हो गई है, और जितनी गाढ़ी होती जाएगी उतनी ये सफ़ेद और होती जाएगी, और लास्ट में इसका कलर बदल जाएगा। तो इस तरीके से करते करते हार्डली आपको 6 to 7 मिनट लगेंगे और आपका कैरेमल यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो देखिए रंग बदल गया है, बिल्कुल इसी तरीके का रंग हमें चाहिए, टेक्स्चर चाहिए। तो इस कंडीशन में गैस को ऑफ कर देंगे, इसको इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इसमें इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा भी ज़्यादा पक जाएगा तो टेस्ट बदल जाएगा। तुरंत हम इसको यहाँ पर उतार लेंगे इस कंडीशन में, और इसको खीर में ऐड कर देंगे। देखिए बिल्कुल इसको ऐड कर देंगे, थोड़ा सा भी ज़्यादा पक जाएगा तो इसका टेस्ट बहुत ख़राब आता है, बहुत अजीब सा टेस्ट आता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा जब हम ये बना रहे हैं तो इसकी कुकिंग में बहुत ओवर कुकिंग ना हो जाए, बहुत केयरफुली हमें इसे करना होता है। तो इस तरीके से देखिए खीर में डालने के बाद इसका रंग ही चेंज हो गया, और इसी से खीर का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और आप को यदि थोड़ा सा भी मीठा कम लगे तो आप थोड़ा सा शुगर भी अलग से ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट किए थे उसको भी यहाँ पर ऐड कर देंगे, जो क्रंचीनेस आएगी उससे खीर का स्वाद और दुगना हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद देखिए हमारी कैरेमल खीर बिल्कुल रेडी है। किसी भी फेस्टिवल ओकेजन में बनाइए, मज़ा ही आ जाता है। तो इस तरीके से बनाकर आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको सर्व करके भी दिखा रही हूँ, इसकी थिकनेस देखिए, आपकी कंसिस्टेंसी देखिए। कैरेमल खीर इसी तरीके से बनाई जाती है, और इसका जो स्वाद आता है वो बहुत लाजवाब होता है, ऐसा टेम्पटिंग होता है कि जिसको आप भूल ही नहीं पाएंगे। तो इस त्यौहार में ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, खीर तो हमेशा आप बनाते हैं। अब इस तरीके से बनाकर देखिए आपको मज़ा ही आ जाएगा, और आप बार बार इसी तरीके से बनाकर खाना पसंद भी करेंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। अब थोड़ी सी गार्निशिंग मैंने काजू से कर दी है, आप चाहें तो जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है उससे कर सकते हैं, और साथ ही साथ इंजॉय कर सकते हैं सारे फेस्टिवल्स को इसके साथ। देखिए अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही, कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आई। इसी तरीके से कैरेमल खीर बनाई जाती है और इंजॉय किया जाता है, तो ज़रूर ट्राई करें। इस दिवाली पर मज़ा ही आ जाएगा, हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा और पूछेगा कि कैसे आपने इसको बनाया, इतने लाजवाब तरीके से बनता है ना, एक बार इसको बनाना। तो ज़रूर बनाइए और बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।